को जयपुर में होने वाले जाट महाकुंभ की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को किसान छात्रावास में मीटिंग हुई। मुख्य अतिथि जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व जाट महाकुंभ के कोर कमेटी के संरक्षक राजा राम मिल ने कहा कि यह जाट महाकुंभ ऐतिहासिक होगा और जाट समाज के सभी मकसद पूरे होंगे। उन्होंने जातिगत गणना करने व वीर तेजाजी का बोर्ड गठन करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए एकजुटता जरूरी है। इस मौके पर समाज के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पूरे राजस्थान में हम पिछले डेढ़ महीने से घूम रहे हैं, लोगों में बहुत जोश है, बहुत विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हर जगह 7 लोगों की गिनती कराते हैं। इतनी बसें होंगी, छोटी गाड़ियाँ होंगी और हमारी जो असेसमेंट था, हमारा जो आइडिया था, उससे ज़्यादा तो भीड़ होगी। और हमारा जो मकसद था, जो हमारे पॉइंट बने हुए थे, जो हमारे दिमाग में थी कि आज समाज की जो ये परेशानियां है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में ये जो लोग वहाँ आएंगे 5 मार्च को, तो हमारे मकसद भी सब पूरे होंगे। तो हमारी सोच और भावना विचार जो हमने तय किए समाज के लिए कि समाज को आगे लेके जाने की किसकी चीज़ की आवश्यकता जरूरत है, वो सारी बातें हमारी पूरी होगी। और हमारी कोऑर्डिनेट कमेटी जो लगी हुई है, उनका लोगों में इतना विश्वास है कि पूरे राजस्थान से जो 99 की मीटिंग ऐतिहासिक थी, उससे 3 गुना भीड़ आने का तो मेन मुद्दा है। हमारी जातिगत गिनती का मेन मुद्दा है, उसके साथ पूरी जब गिनती होगी तो मालूम पड़ेगा कि हमें 15% है, 24% है, जाट 22-23% है, ये 11-12 गिनते हैं, तो ये सारी बातें सामने आ जाएगी। तेजा बोर्ड का भी हमने मांग कर रखी है, वो भी हमारे कि सब फॉर्म की किया तो हमारा क्यों नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं। हमारी विद्याधर नगर में 3,000 की जगह पड़ी है, दो बार दोनों मुख्यमंत्री को बता दिया नहीं थी, अब CM ने बुला कर कहा है कि भाई ये तुम्हारी लगती हुई जगह, तो कोई ना कोई असर तो काम आएगा। जो ये माहौल बना है जिन लोगों ने, जाट समाज के लोगों ने, जाट समाज संस्था पर या कोऑर्डिनेट कमेटी पर जो विश्वास किया है, ये सबसे बड़ी बात है। आने वाले समय में 20-20 साल तक इस बात का बेनिफिट समाज को आपका हक मिलता रहेगा, कोई हक उठाने की सोचेगा नहीं, उसका जोर रहेगा।